क्लासेस में सभी का स्वागत। सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं यार, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं बच्चे। तो यार 9th 10th UGC नेट का तो अच्छा रिस्पांस आया, तो मैंने इसमें एक और सीरीज़ जोड़नी चाहिए जिसको मैं उत्तराखंड एक धरोहर के नाम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। डिफरेंट पार्ट्स में लाऊंगा, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा उत्तराखंड की, कैसे कौन राजा था, किसने शासन किया, कैसे कुमाऊँ बना, कैसे गढ़वाल बना, और आपके कितने ज़िले हैं, कितना इतिहास का कैसा रहा, अब क्या हो रहा है इसमें, इसके रीति रिवाज, इसके कल्चर, या सब बताऊंगा अलग अलग पार्ट में। और जो UKSSSC की परीक्षा देने जा रहे हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट बोर्ड और आपका ग्रुप सी के, तो वो तो ज़रूर देखें यार, उनके लिए तो बहुत यूज़फुल होने वाला है गाइस। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को रेफ़र करें यार, उनको वीडियोस शेयर करें कि ये देखो एक न्यू वे में प्रेजेंट किया गया है न्यू जनरेशन ने, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी जो कल्चर है वो आगे जाए। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट अभी तक जितना भी रहा यार। प्लीज़ प्लीज़ इसे और भी आगे ले जाएँ वीडियोज़ को, इसके कंटेंट्स को, इसके चैनल, जो चैनल है PG एक्सीलेंस क्लासेस। थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। तो यार शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा जो हिमालय क्षेत्र है भारत का, उसमें 5 खंडों में विभाजित किया गया है स्कंद पुराण के अनुसार, जो कि नेपाल, कुर्मांचल, केदारखंड, जालंधर और सुरभ्य है। सुरभ्य मतलब कश्मीर, जालंधर हिमाचल प्रदेश, केदारखंड गढ़वाल, कुर्मांचल कुमाऊं। हिमालय क्षेत्र में एक नेपाल आता है, तो पांचों को विभाजित करा गया है, विभक्त करा गया है स्कंद पुराण के अनुसार हिमालय क्षेत्र में। तो आज हम इनमें से ही 2 खंड, जो कि मानस खंड हैं और केदारखंड हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसे अच्छे से सुने। तो जो मानसखंड नाम पड़ा कुमाऊँ का, वो चंद राजाओं के शासनकाल से ही प्रचलित हो गया था, और इसमें केदारखंड आपके, केदारखंड में कई गढ़ थे, कई किले थे, जो कि पवार वंश के राजाओं ने अपने अधीन कर लिया था इन लोगों को, ये जो गढ़ थे, इसीलिए इसका नाम गढ़वाल पड़ा और इन्होंने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी से प्रचलित हो गया था। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ है उत्तरी क्षेत्र या भाग, मतलब उत्तरी क्षेत्र या भाग। यहाँ नदियों का संगम है और इन संगमों के तट पर अनेक वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और शहर बसे हुए हैं। राज्य की सीमाएं जहाँ उत्तर में तिब्बत व पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल व दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं, वहीं यह एक राज्य दैविक संस्कृतियों का राज्य है। उत्तर प्रदेश को 13 हिमालय जिलों से अलग करके 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था पहले ये, फिर इसको उत्तराखंड नाम दिया गया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसमें एक और राजधानी को अभी हाल ही में जोड़ा गया है, जो कि गैरसैंण है, तथा इसकी प्रथम राज्य भाषा हिंदी व द्वितीय राजभाषा संस्कृत, जो कि 2010 में इसको उपाधि दी गई। गठन के बाद बहुत सारे राष्ट्र चिन्हों का निर्माण किया गया, जिसमें कि राज्य पुष्प आपका ब्रह्म कमल है, इसका साइंटिफिक नेम सोसूरिया अवेलिटा है। राज्य पक्षी मोनाल को दर्जा दिया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम लोफोफोरस इम्पेंजियम है। राष्ट्र पशु की उपाधि कस्तूरी मृग, जो कि मॉस्कस काइसोगास्टर है। राज्य वृक्ष आपका बुरांस है, जो कि रोडोडेंड्रोन और बैरियम इसका साइंटिफिक नेम है। राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, राज्य खेल फुटबॉल है। और कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल, 2 मंडलों में इसे बांटा गया है उत्तराखंड को, जिसकी कुमाऊँ मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नैनीताल है। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय पौड़ी में है, उत्तराखंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 1,86,292 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार और सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये UKSSSC के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुप सी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक सीरीज है अपने कल्चर को जानने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा आपके लिए हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पहले क्या था, कहाँ कहाँ गुफाएं थी, कहाँ कहाँ क्या क्या मिला, क्या क्या इंस्क्रिप्शंस मिली, कि वेदों में कहाँ लिखा है कि ये राज्य एग्जिस्ट करता था,
कहाँ कहाँ इसके इंस्क्रिप्शन आते। तो यार मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ इस सीरीज़ को देखें, अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियोस को, इन पार्ट्स को आगे फॉरवर्ड करते रहें अपने सोशल पेजेस पे, ताकि लोग इस संस्कृति से जुड़े। थैंक यू फॉर ऑल योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ गुड डे।